फाजिलका जिला पुलिस ने नकली चांदी बेचकर हजारों रुपयों की ठगी मारने वाली दो महिलाओं से 3 किलो नकली चांदी बरामद कर उनको गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने किन किन व्यक्तियों को ये नकली चांदी बेची है इसकी जांच शुरू कर दी गई है। फाजिलका जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल ने बताया कि ये औरतें सुनियार की दुकान पर जाकर नकली चांदी बेचकर हजारों रुपयों की ठगी मारती थी। इसी के चलते इनके शिकार बने सुनार सोनू डावर की शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और जांच की जा रही है कि इन महिलाओं के पीछे कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा। फाजिलका पुलिस ने नकली चांदी बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा है। सोनू डावर पुत्र जगदीश चंद्र वासी श्याम विहार कॉलोनी अबोहर, इसका पंचकोशी में सुनियारे का दुकान है। वहां पे सीता पत्नी राहुल और कोमल दो लड़कियां चांदी के जेवरात बेचने आई। उन्होंने 100 ग्राम चांदी बेच के 4000 रुपये लेके वो चले गए। जब सोनू डावर को इस चीज़ का शक हुआ तो उसने इमिजिएटली खुया सर्वर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मुंशीराम को इस बारे में बताया। पुलिस ने इमिजिएटली एक्शन लेते हुए रेड करके इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट किया और उनके पास 3 किलो 10 ग्राम नकली चांदी बरामद हुई है। ये दोनों लड़कियां इंदिरा कॉलोनी अभोर में किराए पर रह रही है और हम आगे की तफ्तीश कर रहे हैं कि ये चांदी कहाँ से लेके आए, चोरी की है या कहीं और जगह से लेके आए हैं, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं।